दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइत एमटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है जैसा कि आबिद सलीम के साथ हो रहा है? आबिद जी का कहना है कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम आ रही है सर, मेरा कंपटीटर सामान सस्ता बेचता है, यानी जिस रेट पर आया है कभी उससे भी कम में बेच देता है, तब मैं क्या करूं? आबिद जी, सवाल पूछने के लिए धन्यवाद। जहां तक मैं समझता हूं, ये प्रॉब्लम केवल आपका नहीं है, शायद इस वीडियो को देखने वाला हर व्यापारी किसी न किसी रूप में कंपटीशन का सामना कर रहा है, और सही मायने में यही तो आज के मार्केट के बदलाव का सबसे बड़ा कारण है। नेगेटिव रूप में इसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम कह सकते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखें तो ये प्रॉब्लम नहीं बल्कि सबसे बड़ा चैलेंज है। बिजनेस में बदलाव का, नए सृजन का, कुछ नया सीखने का, अपनी क्षमता से कुछ अधिक कर जाने का। दोस्तों, अगर आपका भी सामना तगड़ा कंपटीशन से हो रहा है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सवाल आपके बिजनेस का है। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि इस टॉपिक पर मैंने पहले भी दो वीडियो अपलोड किया है, आपको उन वीडियो पर भी काफी कुछ जानकारी मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कंपटीटर सस्ता क्यों बेच देता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए या अपने ग्राहकों की संख्या में वृद्धि के लिए, किसी स्कीम या टारगेट को पूरा करने के लिए, जाम आइटम को एक्सपायरी होने से बचाने के लिए, स्टॉक खाली करने के लिए, क्वांटिटी बेस खरीदी में स्पेशल डिस्काउंट मिलने की वजह से, अपना सेल बढ़ाने के लिए, बड़ा मार्केट को कैप्चर करने के लिए, मार्केट में अपना मजबूत साख बनाने के लिए। और अगर अपनी खरीदी से कम कीमत में कोई सामान बेचता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर एक कस्टमर को सस्ता ही देगा, केवल उन ग्राहकों को ऐसे कीमत पर सामान देगा जो उनके साथ में कभी कभी जाते हैं, जो किसी और व्यापारी के कस्टमर होंगे, जो बिल्कुल नए कस्टमर होंगे, जिनसे अधिक कीमत लेना मुमकिन ना हो लेकिन उन्हें खाली हाथ वापस जाने ना देना चाहता हो, जो केवल एक वस्तु के कीमत के लिए वापस जाने वाला हो। कोई व्यापारी ऐसा तब करता है जब वो ये अंदाजा लगा लेता है कि इस ग्राहक से भविष्य में किस तरह से इनकम हासिल किया जा सकता है। जब व्यापारी को पता हो कि ग्राहक को उधार देने का मतलब अपनी पूंजी डुबाना हो, लेकिन मना ना कर पाना मुश्किल हो रहा हो, तब उसे ऐसे कीमत पे माल बेचना। जब उसे मालूम हो कि कस्टमर का पेमेंट सॉलिड हो लेकिन अपनी कीमत पर अड़ गया हो, यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से कंपटीटर सस्ता या खरीदी से सस्ता सामान बेच देता है। अब सवाल यह है कि हम ऐसे स्थिति में आगे क्या करें। तो सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहूंगा, अपने बिजनेस के इनकम और खर्च का एक बार कैलकुलेशन करके देखिए कि आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च होता है और कितना बचा पाते हैं आप, कितना आपके बिजनेस में री इन्वेस्ट होता है। अगर आपको पता नहीं कि आमदनी को कैसे निकालते हैं तो इस वीडियो के ठीक पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप चाहें तो देख सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा, ताकि कंपटीशन के लिए आगे की रणनीति तैयार किया जा सके। अगला पॉइंट, आपके साथ में जो कस्टमर आकर ये कहते हैं कि सामने वाला कम कीमत में दे रहा है, या जब आपको पता चलता है कि कंपटीटर खरीदी से कम कीमत में बेच देता है, तो जब आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि ऐसे ग्राहकों की संख्या लिमिटेड है जो ऐसे कीमत पर वस्तु देने की डिमांड करते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मुंह मांगी कीमत में सामान देकर ग्राहक को कहीं और जाने से बचा लें, या रेट टू रेट सामान ना बेचकर ग्राहक को गंवा दें, क्योंकि वो दो सामान के चक्कर में उस शॉप में जरूर जाएगा। अगर आप उसे जाने देते हैं तो वो आपके कंपटीटर से सामान तो खरीदेगा, इसका एक बड़ा नुकसान ये होगा कि आपका इमेज उस ग्राहक की नजर में गलत बन जाएगा। आप बेशक अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन उसके नजर में आप अधिक कीमत में प्रोडक्ट बेचने वाले दुकानदार साबित होंगे, और ये बात वो अपने परिचितों को चर्चा के दौरान भी जरूर बोलेगा। अनजाने में आपका इमेज भी खराब करने की कोशिश कर सकता है, या कंपटीटर के सस्ता देने की बात वो व्यक्ति कर सकता है। अगर 10 प्रोडक्ट खरीदी करने वाला ग्राहक आपके कंपटीटर के प्रलोभन की वजह से एक दो प्रोडक्ट पर कीमत की शिकायत करता है, तो बाकी 8 वैरायटी में 4 पैसे तो बचेंगे,
औसत आमदनी देखेंगे तो आप फायदे में ही रहेंगे। कस्टमर और इनकम दोनों की दृष्टि से खरीदी से कम कीमत पर सामान कैसे बेचते हैं लोग, अगर ये समझना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो जरूर देखें। 93 रुपए में खरीद कर बेचा 90 में और प्रॉफिट हुआ 6 रुपए। आपको समझ आ जाएगा कि कॉम्पिटिटर क्या सोचकर ऐसा करता है। नेक्स्ट ऑप्शन ये आता है कि ग्राहक अच्छा है या बुरा। अगर ग्राहक अच्छा है, पेमेंट अच्छा है, हर सामान में मोल भाव नहीं करता, कुछ ना कुछ मार्जिन देकर ही जाता है, तो वो आपका बेशक अच्छा ग्राहक है। ऐसे ग्राहकों को खोना समझदारी नहीं कहलाएगा। ये मानकर चले कि कॉम्पिटिटर ग्राहक को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, आप सतर्क हो जाइए। जहां तक मेरा यही मानना है कि ऐसे ग्राहक को अगर 1-2 प्रोडक्ट रेट टू रेट देना पड़ जाए तो मेरे हिसाब से ऐसा कर लेना उचित होगा। लेकिन अगर ग्राहक उधार लेकर लटकाने वाला हो, हर बार हर प्रोडक्ट पर कीमत कम करवाने की बात करता हो, हर वस्तु जो आपके खरीदी कीमत पर पाने की उम्मीद करता हो, तो ऐसे लोगों को आप अपना ग्राहक भी नहीं कह सकते, क्योंकि फिर तो खाली समाज सेवा ही हो जाएगा, परिवार का खर्च नहीं चल पाएगा। बचत करना तो दूर की बात है, वो फिर आपके तो क्या किसी का भी परमानेंट ग्राहक नहीं बन सकता। इसके अलावा कंपटीशन मार्केट में अपने वजूद को बनाए रखने के लिए कुछ और भी कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि अपने दिमाग को शांत रखिए। कंपटीटर के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय ये सोचिए कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं जो उसे सफल बना रहा है। कंपेयर कीजिए आप किन किन मामले में उससे कमजोर पड़ रहे हैं, अपनी कमजोरी को कैसे दूर कर सकते हैं, अपने रणनीति को बेहतर बनाने का प्रयास करें। अगला पॉइंट, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए कम से कम 1 साल का टारगेट सेट कीजिए कि 1 साल में किस लेवल तक पहुंचा सकते हैं अपने बिजनेस को, अपने बिक्री को। ऐसा करने से आप पहले से ज्यादा बिजनेस में एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह कंपटीशन करने वाला एक गोल सेट करके चलता है, उसके लिए मार्जिन से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका टारगेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बड़ी लाइन को छोटा करने का प्रयास कीजिए। ये एक लाइन है, अगर इसे बिना मिटाए छोटा करना हो तो क्या करेंगे आप? इसका सीधा सा जवाब है, उस लाइन के समांतर में बड़ा लाइन खींच दीजिए, अपने आप छोटा हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब, अगर कॉम्पिटिटर के सांप का साइज बड़ा है और आपके सांप का साइज छोटा है, और अगर संभव हो तो अपने बिजनेस के साइज और वैरायटी को बढ़ा लीजिए, सेल और कस्टमर अपने आप बढ़ने लग जाएगा। अगला पॉइंट, अपने बजट और क्षमता के हिसाब से नए नए प्रोडक्ट की तलाश करते रहें, मैनेज करते रहें, इससे आपका उत्साह बना रहेगा। बिना किसी शॉर्टेज के नॉर्मल स्थिति में अगर किसी वस्तु की डिमांड 5 से 10 कस्टमर करने लगे तो उस वैरायटी को कम मात्रा में रखना स्टार्ट जरूर करें। अगला पॉइंट, समय समय पर अपने बिजनेस करने की नीतियों को चेक करते रहें और आवश्यकता के हिसाब से बदलाव करते रहें, अपनी कमियों को पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयास करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट, ग्राहक के प्रति ज्यादा सजग और जागरूक रहें। अपने खाली वक्त का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर टाइम पास करने के बजाय कुछ समय को बिजनेस की प्लानिंग और बेहतर रणनीति बनाने में लगाएं, लेकिन उत्तेजित होकर कोई कदम ना उठाएं। किसी भी टिप्स या नियमों को अप्लाई करने से पहले अपने आप से तर्क वितर्क जरूर कीजिए। दोस्तों, किसी एंटरप्रेन्योर ने सच ही कहा है, कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद जब कोई कंपनी नया ब्रांड तैयार करती है, मार्केट में उपलब्ध करवाकर पैसा कमाती है, तो कंपटीटर उंगली करता है। उसका विकल्प कम कीमत में या समान कीमत में प्रोडक्ट तैयार कर मार्केट में उतार देती है, ग्राहकों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो भी ऐसे नए प्रोडक्ट पर मार्केट में अपना कुछ हिस्सा चाहता है। अब पहले वाला कंपनी अपने मूल्यों में सुधार करने की कोशिश करता है। ये प्रक्रिया तब तक चलता है जब तक कि कंज्यूमर को वास्तविक कीमत पर प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं हो जाता। कंपटीशन का चक्र हमेशा घूमते रहता है, कभी खत्म नहीं होने वाला। प्रोडक्ट की क्वालिटी और कीमत में सुधार हमेशा चलता रहेगा। यही हाल दुकानदार या व्यापारी के साथ भी होता है। सुनसान वीरान जगह पर एक ऑफिस खुलता है, उसके बगल में या आसपास कोई शॉप खुलता है, वो चलने लग जाता है। किसी व्यक्ति को लगता है उसका चल रहा है तो मेरा भी जरूर चलेगा, और कंपटीशन शुरू हो जाता है। लेकिन कमजोर टूटकर बिखर जाता है,
जो अपनी जड़ें अंदर गहराई तक घुसाने में कामयाब हो जाता है, वही कंपटीशन की आंधी को झेल पाता है। इसलिए अंदर से स्ट्रांग बने, दूरदृष्टि के साथ काम करें, बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो दिल से एक लाइक कर दीजिए तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आल बटन घंटी को जरूर दबा दीजिए तथा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर अवश्य करें, क्योंकि हो सकता है बदले में वो भी आपको कोई ऐसा वीडियो शेयर करे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो या जिसकी आपको तलाश हो। जय हिंद, वंदे मातरम।